नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आपका राजनीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। साथ ही आज शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जमानत मिलने पर आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय पर अगर बेल दी तो निश्चित रूप से इनका मकसद हल हो जाएगा। दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को इस पर 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।